शहीद के नाम पर जो घोषणाएं होती हैं वो सिर्फ घोषणाएं ही बनकर रह जाती हैं। पर देश भर में शहीदों के नाम पर की गई घोषणाओं के कई जीते जागते उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही उदाहरण मंडी जिला के जोगिंदरनगर उपमंडल में भी देखने को मिल रहा है, जहां शहीद के नाम पर मात्र 1100 मीटर की सड़क को 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बनाया जा सका है। वर्ष 2004 में मात्र 22 वर्ष की आयु में शहादत का जाम पीने वाले शहीद जगमोहन ठाकुर को शासन और प्रशासन भुला चुका है। शहीद जगमोहन ठाकुर का घर मंडी जिला के जोगिंदरनगर उपमंडल के लोहर बसाही गांव में है, जहां जगमोहन की शहादत हुई थी तो नेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का घर पर जमावड़ा लग गया था। चक्का से लोहर बसाली गांव तक शहीद के नाम पर 1100 मीटर सड़क बनाने का ऐलान हुआ। 1100 मीटर में से मात्र 300 मीटर सड़क का निर्माण ही हो पाया और बोर्ड लगाकर उस पर लिख दिया गया कि ये शहीद मार्ग है। इसके बाद ना तो शासन और ना ही प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया। 300 मीटर तक बनाई गई सड़क भी आज बदहाली के आंसू बहा रही है। सड़क पर वाहन चलाना तो दूर, अगर आप पैदल चल पड़े तो भी बड़ी बात होगी। ग्रामीणों में इस बात को लेकर रोष है कि शहीद के नाम पर जो घोषणाएं की गई थी उसे 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका। ग्रामीणों ने इस सड़क की बदहाली को लेकर हर जगह गुहार लगाई। जिला प्रशासन और राज्य सरकार को तो छोड़ ही दीजिए, मामला दिल्ली दरबार तक पहुंचाया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। लोअर बसाही गांव में 1000 से अधिक की आबादी रहती है और उन्हें इस सड़क का लाभ मिलना था, लेकिन आज दिन तक ये लाभ नहीं मिल पाया है। ये बसाई गांव है भाई, बसाई चक्का रोड है, ये शहीद जगमोहन सिंह रोड था ये, लेकिन 13 साल लगे कोई रोड नहीं बने, कोई कुछ नहीं बने। कितनी ऐसी एप्लीकेशन दीती, पीएम हाउस तक दीती, सारे मंडी जोगिंदरनगर शिमला दिल्ली सारे एप्लीकेशन गई हुई है और इन सारी एप्लीकेशन सारे आए रहे आंसर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। आप रोड की हालत देख लीजिए, यहाँ आदमी तक नहीं चल सकता, इतनी बुरी हालत है रोड की। कहते हैं शहीद है हमारा, वो है प्राउड है, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं ना, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। सर जो पूरा गांव है हमारा बसाई, कम से कम ज्यादा नहीं तो 1200 की पॉपुलेशन है यहाँ पे। ये शहीद के घर के कहते तो शहीद का नाम का बोर्ड लगा दिया इन्होंने यहाँ पे। रोड की हालत देखें तो आप, रास्ता भी इससे अच्छा होता है, जो एक जानवरों के लिए रास्ता बनाते हैं वो भी इससे अच्छा होता है। शहीद जगमोहन ठाकुर अपने घर का इकलौता चिराग था। इस चिराग के बुझ जाने के बाद अब घर पर सिर्फ बूढ़ी माँ ही शेष रह गई हैं। अपने बेटे की यादों के सहारे जैसे तैसे जिंदगी कट रही है, लेकिन सड़क न बन पाने का मलाल दिल और जुबान पर है। शहीद की मां शांति देवी का कहना है कि सड़क बनकर पक्की हो जाए और सभी को इसकी सुविधा मिले, यही उनकी इच्छा है। 13 साल हो ये, ऐसे क्या कर सका बेटा, गवर्नमेंट करो हाँ करो बेटा, गवर्नमेंट हो ना। क्या समस्या है जी यहाँ पे? समस्या नहीं बन रहा है रोड बेटा, रोड मांग रहे है बेटा, और क्या मांगना सर, शायद पक्का हो या रोड और क्या बेटा, सुविधा हो जाओ और क्या। हैरानी होती है ये जानकर कि जब शहीद के नाम पर कोई काम करना ही नहीं था तो सिर्फ एक बोर्ड लटकाकर खाना पूर्ति क्यों की गई? क्या शासन और प्रशासन की नजरों में शहीदों के प्रति कोई मान सम्मान नहीं है? शहीदों की शहादत को ऐसे ही भुलाया जाता रहा तो ये भावी पीढ़ी के लिए सही संदेश नहीं होगा।